कटनी जिले में दहशत फैलाने वाला 20,000 रुपए का इनामी बदमाश राहुल बिहारी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी राहुल बिहारी पर 22 मामले दर्ज हैं। वहीं उसके साथियों पर भी जिले के अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि उनकी टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़ुआ में रोड तालाब के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार खड़ी है और 5 व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरे में बैठे हैं। ऐसी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पुलिस टीम को भेजा और पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार, 2 पिस्टल समेत धारदार हथियार बरामद किए गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माधव नगर थाना अंतर्गत ही पड़वा ग्राम के पास एक तालाब स्थित है। वहां पे हमें मुखबिर से सूचना मिली कि ये 5 अपराधी वहां पर किसी घटना को घटित करने के लिए योजना बना रहे हैं और वहां पे खाना पीना इनका चल रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पे हमने वहां पे टीमें रवाना की और टीम ने ये कन्फर्म किया कि ये 5 अपराधी यहाँ पे नायरा पेट्रोल पंप में एक घटना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और संभव है कि इनके पास हथियार भी हो सकते हैं। ये सूचना जब मुझे प्रदाय की गई तो मैंने इसमें टीम को त्वरित एक्शन लेने के लिए आदेशित किया और इस उपक्रम में ये 5 अपराधियों को पुलिस ने ओवर पावर करके खदेड़ के इनको पकड़ा है और इसके बाद जो है इसके पास से हमें अग्नियास्त्र, फायर आर्म्स भी हमें बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और इसके अलावा चाकू, छुरी, लोहे का बका, रॉड, रस्सी, टॉर्च, ऐसे जो अन्य उपकरण ऐसे बदमाश यूज करते रहते हैं डकैती और लूट करने के लिए, वो भी हमने इसको पकड़ा है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है